दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कल मेरी वीडियो देखी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, आपका सरप्राइज अभी तक वेटिंग में है, तो आज आपके एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा सरप्राइज, आज अपने कबूतरों को, परिंदों को दाना वगैरह हम बाद में देंगे। और आज काम भी तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, और आज हमने यहाँ पे सफाई भी करनी है। दोस्तों, आज हम एक और सरप्राइज देंगे, आपको पता है वाला सरप्राइज है ये? नहीं, आज हम देंगे एक और सरप्राइज अपने कबूतरों को। तो दोस्तों, आज मेरी कबूतरी ने अंडा दे दिया है। ये देखे, आज मेरी काली कबूतरी ने अंडा दे दिया है। दिखाओ भाई, ये देखो, आज मेरी इस काली कबूतरी ने एक अंडा दे दिया, और ये मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, क्योंकि मैं देखे ना देख जा रहा हूँ, जाने लगा था और ये वहाँ पे एकदम जाके खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, शेर खान ने अपनी जवानी दिखा दी है, आज अंडा दे दिया है। बट दोस्तों, अब ये वाला अपना अंडा ना फोड़ दे। तो देखें दोस्तों, ये अपना अंडा अपनी तरफ कर रही है, ये समझ रही है कि मैं इनका ये अंडा ना उठा लूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सरप्राइज पसंद आया होगा। जल्दी से बंद करो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया होगा मेरी काली कबूतरी ने एक अंडा पहले दिया था, वो अंडा इसने फोड़ दिया है। तो दोस्तों, अब उसके बाद अंडा नहीं दिया, अब पहला अंडा दोबारा दिया है। अभी शायद एक और अंडा कल देगी, तो दो अंडे देने के बाद अभी बच्चे निकलेंगे। तो दोस्तों, मेरी मेहनत कामयाब हुई इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप दुआ भी करेंगे कि दूसरा अंडा देने के बाद फिर अंडे वो बैठ जाएगी, बच्चे देंगे। और दोस्तों, मेरे ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ने तो कसम खाई हुई अंडे ना देने की। देखते हैं अंडे वगैरह दिए हैं नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इनकी मटकी वगैरह में नहीं किया हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं अंडा शंडा भाई नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई। दोस्तों ने दाना वगैरह खाने में मशरूफ हैं, हम इनसे कुछ बातें वगैरह भी करते हैं। लो भाई, मैंने सीटी इनको मार रहा हूँ और मुझे जवाब दे रहे हैं ये डायमंड डब। तो दोस्तों, जब मैं अपने जो कल डायमंड डब लेके आया, तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ओहो, ये माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों, ये देखें, ये अपनी मेल को अपने उसके पास जाना चाह रहा है। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह जो मैं एक और दोड़ा जोड़ा लेके आया था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है इधर पिंजरे में आकर, क्योंकि मैंने अपनी मेरी फिंच का घर तो ये है, और मेरी फिंच भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश है, और मेरे डायमंड डब के घर ये समझ लो ये इनका घर है, ये टोकरी मंडे देती है और ये दाना खाने में मसरूफ़ है। तो दोस्तों, आप मेहनत बहुत ही ज़्यादा आज हम करेंगे अपने इस सारे सेटअप वगैरह की सफाई, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। पहले हम इन कबूतरों को दाना वगैरह डालेंगे, उसके बाद हम करेंगे सफाई। आप करोगे? मैं करूँ? आप करोगे? तो दोस्तों, मेरी मेहनत बच गई, क्योंकि मैं सोचा भाई सफाई वगैरह करेगा। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह सफाई के बाद। माशाल्लाह से हमने सफाई वगैरह कर ली है। तो मेरे छोटे भाई ने कहा था कि सफाई करेगा, तो दोस्तों इसमें छोटे भाई ने सारी सफाई वगैरह कर ली है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने सेटअप के पास, देखते हैं हमारा सेटअप कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, माशाल्लाह आपने सफाई वगैरह कर ली भाई सारी? हाँ। माशाल्लाह अच्छी झाड़ू लगा लेते हैं यार आप तो हैं। चलो तो दोस्तों, हम चलते हैं अब सेटअप के पास। सफाई होने के बाद माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है मेरा। गंद वगैरह यार, गंद वगैरह तो फेंक दिया ना आपने बाहर, ये बूर वाक्फी डाल के उठा के इसमें डाल देना थोड़ा सा अगर बच रहा है तो। और ये खाना खाने में मसरूफ़ है, मैंने आपको बताया भी है। और ये दोस्त भाई लोग मेरा अभी यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, हम खोलते हैं इनको, इनको भी थोड़ा दाना पानी अब दे देते हैं, क्योंकि सफाई कर तो हमने कर ली है, अभी इन्होंने दोबारा गंद मचाना है। हम इनको खोलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी थोड़ा खाना वगैरह खा लो यार। जब हमने खा लिया तो तुम भी खाओ भाई। खाना भाई, हमने तो दाना वगैरह खा लिया है, तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो अब इनकी बारी है, ये भी खाना वगैरह खाएंगे। देखते हैं हमारी काली कबूतरी अंडा छोड़ कर नीचे आएगी या नहीं आएगी। ओह भाई, ओह ये तो आ गया काली, आ गई आ गई, तो अंडा छोड़ के आ गई। हम चलते हैं इसके अंडे के पास, देखते हैं भाई। माशाल्लाह से अपना अंडा छुपा कर नीचे आई है मेरी काली कबूतरी, अंडा अपना छुपा कर आई है। और इन्होंने देखें, काली कबूतरी ने कंफर्टेबल कर रही थी, जिस तरह उन्होंने अपना घोंसला तैयार करना था, उसने खुद ही करा, बाकी निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो ये माशाल्लाह नीचे आ गई, क्या है भाई? ये यार वो की चलो यार, ये बात का काम है, ये बाद में करेंगे, हम इनको दाना वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले डालते हैं अपने काली कबूतरी वगैरह, काली कबूतरी के साथ हम सबको दाना वगैरह डालेंगे भाई। काली कबूतरी अकेले तो दाना डालेंगे नहीं, फिर अंडे उतार दिया, दूसरे भी उतार देगी, तो एक अंडे के बाद दूसरा अंडा भी खुद उतार देगा, दाना देंगे सबको। दोस्तों पहले ये डालते हैं, चल डाली सर, फैला इस तरह फैला के डालियो। हाँ, थोड़ा सा हम ये भी डाल देते हैं,
ये इनकी है मिक्स डाइट और ये बहुत शौक से खाता है। थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं, देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं। ये इनकी दोस्तों मिक्स खुराक है, जब स्पेशल खुराक होती है इनकी वो खिलाता हूँ, जिसकी वजह से कद वगैरह भी माशाल्लाह चंगा बना कद हो जाता है और उसकी हाइट सेहत वगैरह भी अच्छी होती है। तो दोस्तों यही मिक्स खुराक आप भी खिलाया करें अपने परिंदों वगैरह को, कबूतरों वगैरह को, क्योंकि इनसे इनका कद भी माशाल्लाह बड़े होते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं परिंदे वगैरह। तो दोस्तों ये खुराक क्या है आप मुझे कमेंट करें, और ये खुराक अब इनकी सारे की डाइट वगैरह जो सबको मैं डाइट वगैरह देता हूँ वो मैं आपको कब आप मुझे कमेंट करें, और वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डाइट वगैरह की क्या चीज़ें हैं। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइट वगैरह क्या देता हूँ, आपको तो पता ही है और मुझे भी पता ही है। दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों बाहर आज धूप निकली हुई चंगी भली, क्योंकि अब तो रात हो गई, क्योंकि मैं तो दोस्तों भी लोग बनाता हूँ अपना रात को, ये देखें इस टाइम तो रात है और यहाँ शहर में धुंध भी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों धूप भी आज सुबह बहुत ही ज़्यादा थी और आज धूप इतनी तेज निकली थी, तो दोस्तों मैंने अपना सारा सेटअप उठाकर बाहर ले गया था, अपना सारा सेटअप उठा कर बाहर ले गया था और मैंने अपने परिंदों कबूतर वगैरह को परिंदे वगैरह को सबको मैंने बाहर धूप वगैरह लगवाई थी, है ना भाई? आप मैं तो था नहीं, आपने धूप वगैरह लगवा दी थी चंगी भली, धूप में इनको खोला भी था, अच्छा मुर्गियों को खोला था। ओह नो यार, तो दोस्तों मेरी काली और लाली को हमने तो दिखाया ही नहीं आपको, क्योंकि हमने तो दो पिछले दो तीन दिन पहले की वीडियो आपको दिखाया था। काली और लाली क्या कर रही है, चल के देखें भाई, काली और लाली को तो हमने ढक रखा, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आज भाई चलो यार, चलो पहले हम काली और लाली को देखते हैं, हम देखते हैं भाई रात का टाइम है, शापर वगैरह हमने ढके हुए हैं, काली और लाली को देखते हैं भाई। ओए होए होए होए, ये दोस्त हमारी काली लाली ऊपर चढ़ के बैठी है, काली क्योंकि लाली को बहुत ही ज्यादा मारती है ये काली हमें काटती भी है। आपने इनको दाना वगैरह कब दिया था? दोपहर के टाइम धूप थी, धूप थी, दाना वगैरह खिलाया था, निकाल चंगा वाला खिलाया था, सही खा रहे थे। अच्छा दोस्तों हमने इनको दाना वगैरह भी यानी कुछ खिलाते हैं, इनको हम खुराक वगैरह देते हैं, जिसके देखे इनके कद वगैरह माशाल्लाह अच्छे होते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अब अपने थोड़ी देर बाद। दोस्तों ये काली और लाली को, ये काली लाली को किस तरह मारती है, क्योंकि इस काली का कद बड़ा माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, हम इनको देसी खुराक देते हैं जिसकी वजह से कद बड़ा है इनका, हम इनको गुलाब अंडा वगैरह भी खिलाते हैं। चलते हैं अपने उन परिंदों के पास। कौन सा वाला? ये वाला और वाला, ये वाला वही कबूतर है, क्या पता दे दे। लेकिन ये तो बच्ची है ना अभी, ये नहीं इनका पैर नहीं लगेगा ये, क्योंकि जो हमने इसका और इसका क्या ना इसका और इसका जो पैर वगैरह लगाया था हमने, हाँ। तो उसकी नस्बत ये कबूतरी यानी पूरी है, ये बच्ची है अभी, इसका तो इसके साथ पैर नहीं लग सकता, ये जब बड़े होंगे तो हम इसका पैर लगा देंगे। दोस्तों तो भाई मेरा कह रहा है जो हमने दूसरा पैर लगाया था कबूतरों का वो चेंज करो, क्योंकि उनकी आपस में शायद नहीं बनी, लेकिन भाई मैंने देखा है वो बन रही है उनकी आपस में, मैं तो भाई अपनी आंखों से देखा उनके पास बन गई है, कि जो ये वाइट वाली कबूतरी है हम छोड़ दें, ये इस वाले कबूतर के साथ लो भाई, वो काली कबूतर के पास चला गया है। तो दोस्तों हम उसके साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वाइट वाली मेरी कबूतरी है, वो भी बच्ची है, हम उसके साथ नहीं छोड़ सकते, वो भी बड़ी हो जाएगी तो हम उसका भी पेयर लगा देंगे, क्या उसको लास्ट वाले खाने में रखते हैं और दूसरा खाने में हम ये वाला पेयर रखते हैं अपना, कहाँ गया भाई? हाँ ये वाला पेयर रखते हैं हम दूसरे खाने में और काली कबूतरी रखते हैं पहले खाने में, और बाकी हमारा ये सेटअप है आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, डायमंडा भी हमारी, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह हैं। तो हम चलते हैं अपने कॉकटेल के पास, हमारे कॉकटेल क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से निकाला है आपने? ये मैंने ऊपर से निकाला, इसको साफ कर रहा था, मैंने कहा ये बूर हटा दो, बार बार गंद होता है, ये बूर आप लगा रहना, बूर ना हटा इसके ऊपर, कॉकटेल के पास पराली हम बाद में रखेंगे, बूर भी आप पड़ा रहने दो उसके, हम देखते हैं हमारे कॉकटेल वगैरह क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हमें जवाब वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, आपने तो देख ही लिया होगा हमने कितनी आवाज़ लगाई, सीटी वगैरह लगाई हमें, इस तरह से सीटी वगैरह लगा के हम इनको बोल दें तो ही हमें यानी इसी तरह अपनी आवाज़ वगैरह सुनाते हैं, हमें इनकी समझ तो आती नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको इनको ही नहीं बुलाते, हम अपनी डायमंड डब को देखो मैं अभी सीटी वगैरह लगाऊंगा तो ये भी बोलेंगे, ये देखें पीछे ने जवाब दिया है। तो दोस्तों इसी तरह मैं इनकी बातें वगैरह भी करता हूँ, तो आप अपने मेरी बातें वगैरह देख लें, दोस्तों आप मुझे लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और मेरा व्लॉग पूरा देखा करें, आपको नए से नए सब्सक्राइब
नए से नए सरप्राइज भी दिखाएंगे हम आपको, नए से नए परिंदे वगैरह भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आपका जो सरप्राइज था वो भी वेटिंग में देखें, इसी कार्टन में सरप्राइज था, हमने लाइटिंग वगैरह कर दी है। तो दोस्तों इसमें हमने सारा सेटअप आपसे हमने हटा दिया, क्योंकि आपका जो सरप्राइज था वो वेटिंग में चल रहा है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके लिए सरप्राइज भी लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वाली वीडियो भी पूरी देखेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और मुझे भाइयों आपके जो सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप बंद करो, ठीक है। हम चलते हैं फिर अपने परिंदे वगैरह के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, देखते हैं। क्योंकि हम गए लो भाई, लो गेट खुला छोड़ दिया था। लो दोस्तों मेरे भाई ने गेट खुला छोड़ दिया था। तो देखो मेरे कबूतर को जो पर वगैरह बांधे हुए थे वो उनके धागे वगैरह ने निकाल दिए हैं। तो ये गेट खुला था, मुझे पता नहीं था अगर ये बाहर आते तोड़ जाते। तो यार आपने गेट खुला छोड़ के चले गए थे बाहर, शाबाश भाई। मेरा भाई गेट खुला छोड़ के चला गया था, अभी उड़ जाते हैं। मैंने पर वगैरह तो धागे से बांधे हुए तो वो खोल दिए थे, क्योंकि मैंने इनके यहाँ पेड़ वगैरह लगा रखे थे, फिर ये ना हो कि मेरी काली कबूतरी उड़ जाती है आज।